अस्सलाम वालेकुम आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना नाम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर एट अबाउट फोर्स एंड मोशंस फोर्स और मोशन क्या होते हैं फोर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज़ लेक्चर टू अबाउट इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फोर्स के क्या इफेक्ट हैं ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो इसके लिए एस एल ओ देख लेते हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन चेंजिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ टाइम सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा वट इज़ फोर्स एंड वट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आज हम देखेंगे कि फोर्स के जो मोशन पे इफ़ेक्ट्स हैं किसी ऑब्जेक्ट की वो क्या होते हैं किस तरह से फोर्स इफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को कि वो मूव करें या फिर उनको मूवमेंट से रोकती है या उनकी डायरेक्शन चेंज करती है उनकी मोशन को स्पीड अप करती है स्लो डाउन करती है और उसके अलावा उनकी शेप को चेंज करती है किस तरह से तो ये सारे इफेक्ट्स हम इस लेक्चर में देखेंगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ पुट अ बॉल ऑन टेबल फर्स्ट पुश द बॉल टू मूव इट सबसे पहले टेबल पे एक बॉल रखें और उसको पुश करें तो आप देखेंगे कि वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगी वो अपनी पोजीशन से हिलना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट स्टॉप द बॉल फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन आप दूसरे डायरेक्शन में जाके उस बॉल को स्टॉप करें तो आप देखेंगे जो बॉल है वो अपनी मोशन रोक देगा उसकी मोशन रुक जाएगी जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको स्टॉप करेंगे अगेन एंड अप्लाई फोर्स फ्रॉम साइड एंड सी वट है बॉल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो उसको किसी भी साइड से रोकने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बॉल की मोशन स्टार्ट रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फॉर एग्जांपल आपने यहां से बॉल पुश किया और आप किसी भी एक साइड या इस साइड या इस साइड से उस बॉल को आपने फोर्स लगाई उस बॉल पे तो बॉल जो है वो अपनी मोशन इस तरफ स्टार्ट कर देगा और अगर आपने इस साइड से उस पर फोर्स लगाई तो बॉल अपनी मोशन इस तरफ को स्टार्ट कर देगा सो so, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन में होता है मूवमेंट उसकी चल रही होती है उसको साइड से फोर्स लगाएं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है अप्लाई फोर्स ऑन बॉल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बॉल अब बॉल को अपने हाथों में लें और उस पर फोर्स एग्जर्ट करें फोर्स एक लगाएं, तो देखें उसके साथ क्या हुआ यस yes, बॉल की शेप खराब हो जाएगी बॉल स्क्वीज हो जाएगा अंदर की तरफ धंस जाएगा। सो so, फोर्स जो है वो इस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स डालती है ऑन ऑब्जेक्ट, मोशन स्टार्ट करने में हेल्प आउट करती है मोशन को स्टॉप करती है किसी भी मोशन में जो मोशन में होता है ऑब्जेक्ट उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करती है सो देखते हैं नेक्स्ट बेसिकली व्हाट इज फोर्स इट इज अ अडिंग क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज फोर्स यस फोर्स इज द वन न्यूटन दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन के जी फॉर वन मीटर इन अ वन सेकेंड स्क्वास जो है वो वो एक्ट है जो रिक्वायर होता है डेट इज इन वन न्यूटन फॉर्म वन न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है एक ऑब्जेक्ट को जिसका मैस वन किलोग्राम है उसको वन मीटर डिस्टेंस में मूव करवाने के लिए इन द वन सेकेंड स्क्वेयर सो इज फोर्स फोर्स जो है वो कोई भी पुश या पुल एक्टिंग है ऑन एन ऑब्जेक्ट जो उसकी मूवमेंट को स्टार्ट करे या उसको स्टॉप करे सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा बॉल की जब हम बॉल uh, को टेबल पे हमने पुट किया और उसको हमने हल्का सा पुश किया तो उस वो स्टेशनरी था पहले जब हमने उसको पुट किया जब हमने उसको पुश किया तो क्या हुआ उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई सो so, फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट स्टार्ट करवाती है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी हालत में होता है मतलब रुका हुआ होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मोशन स्टार्ट होती है देन स्टॉपिंग आर मूविंग ऑब्जेक्ट फिर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है जब हम उसपे फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसको फोर्स उस पर लगाते हैं और उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स क्या काम करती है फोर्स का क्या इफेक्ट होता है कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग से मूवमेंट से रुक जाता है तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है फ्रॉम मूवमेंट नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन सो so, फोर्स uh, जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करती है लाइक like, अगर आप फोर्स एक्जर्ट uh, कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ मूवमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रेट मूव कर रहा है इस साइड से उस साइड की तरफ स्ट्रेट मूव कर रहा है तो आप उस साइड से जाके अगर उसको रोकने की कोशिश करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है स्पीड स्लो हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप हो जाता है और अगर आप मोशन वो फोर्स जो है वो सेम साइड ऑफ मोशन से आप एक अप्लाई करते हैं लाइक like, एक ऑब्जेक्ट इस साइड से उस साइड की तरफ मूव कर रहा है और आप इसी साइड से ही मजीद फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है वो स्पीड अप हो जाता है उसकी स्पीड मजीद इंक्रीज हो जाती है तो इस तरह से फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग uh, मूवमेंट की स्पीड को स्पीड पे इफेक्ट करता है या तो उसको स्लो डाउन करती है फोर्स या फिर उसको मजीद स्पीड अप करती है नेक्स्ट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को साइड से किसी भी साइड से आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो इस तरह से फोर्स का उसकी मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है नेक्स्ट इज चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक जो हमने एक्टिविटी की हमने बॉल पे फोर्स अप्लाई की तो उसका उसकी शेप जो है चेंज हो गई तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और उसका साइज चेंज करने में भी इफेक्ट करती है उसके साइज और शेप पे भी इफेक्ट डालती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं अप करते हैं लेक्चर को एनी इंटर डेट वन विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो कोई भी इंट्रेक्शन जिस किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो होता है फोर्स uh, की सूरत में वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या तो उसको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट uh, देता है मूव करवाने में हेल्प आउट करता है या उसको स्टॉप करता है या उसकी मूवमेंट स्लो डाउन करती है या उसकी मूवमेंट स्पीड अप करती है या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है तो फोर्स बेसिकली अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करती है उस पर इफेक्ट डालती है लाइक डायरेक्शन चेंज कर दी या फिर उसको उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया उसको स्पीड अप कर दिया उसकी स्टेशनरी हालत जो थी उसकी स्टेशन वो एक ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी था उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर दी तो इस तरह से स्टेट ऑफ मोशन पे इफेक्ट डालती है फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं सो so, असेसमेंट है आज के एस एल ओ पे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन चेंजिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन विद टाइम डिफाइन एंड स्टेट द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स सो जो एस एल ओ हमने कवर किए दोनों उनपे असेसमेंट है या आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है आपने सही से सोल्व की या नहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर्स से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी नेक्स्ट इज होमवर्क डू एक्टिविटी विद अ ट्राई कार इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन एंड मेक द कंक्लूजन अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ कार जैसे ये एक आपको तस्वीर नजर आ रही है टेबल पे एक टॉय कार रखें और जिस तरह से हमने बॉल की एक्टिविटी की उसी तरह से ही टॉय की एक्टिविटी करें फर्स्ट उसको पुश करें देन उसको ऑपोजिट साइड से जाकर उस पर फोर्स फोर्स अप्लाई करें देन एक मूविंग कार जब आप कार मूव करते हैं पुश करते हैं और वो मोशन में होती है तो उसको साइड से पुश करें देन उसको स्क्वीज़ करें तो देखें कि इन पे मोशन पे जो स्टेट ऑफ मोशन होगी कार की उस पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं और अपनी सारी ऑब्जर्वेशन जो है उसका एक कंक्लूजन निकालें और अपनी नोटबुक पे नोट करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन दी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज